जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकंड डिग्री वीडियो नंबर 23, वेलकम ऑल ऑफ यू। ए क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टर सर्किल वीडियो नंबर 2। पिछले वीडियो में डायरेक्टर सर्किल ऑफ अ कॉनिक का इक्वेशन हमने डिराइव किया था। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस टू अ कॉनिक इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्किल ऑफ दैट कॉनिक। और इसका इक्वेशन क्या था मैं एक बार लिख दूं। डायरेक्टर सर्किल लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लाइन टू अ कॉनिक। टेंजेंट्स लिखे चाहे टेंजेंट लाइन्स लिखे टू अ कॉनिक इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्किल। इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द कॉनिक। इसके बाद फिर लिख दिया जाए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिखें और उस कॉनिक का डायरेक्टर सर्किल लिखें। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द कॉनिक एस विच इज फाई ऑफ एक्स वाई विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज। क्या निकला था भाई? कैपिटल सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू कैपिटल जी इंटू एक्स माइनस टू कैपिटल एफ इंटू वाई प्लस कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इक्वल्स टू जीरो वेयर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल एफ कैपिटल जी आर कोफैक्टर्स सहगुणनखंड ऑफ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल एफ स्मॉल जी रेस्पेक्टिवली इन द डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी फुल स्टॉप। ये पिछले वीडियो में हम लोग पूरा पढ़े थे। अब इस फार्मूले की मदद से आइए सबसे पहले तो हम एलिप्स का निकालें डायरेक्टर सर्किल। हेडिंग डाल के काम किया जाए डायरेक्टर सर्किल ऑफ द एलिप्स ऐसे। डायरेक्टर सर्किल ऑफ द एलिप्स वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन होता तो उसको हम माइनस वन कर दे रहे हैं इक्वल्स टू जीरो, ताकि ये क्वेश्चन का फॉर्म हो जाए एस इक्वल टू जीरो। अब हमें एक कंपेयर करना है ना, इससे कंपेयर करना है। तो अब स्मॉल ए बी सी यहाँ भी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी यहाँ भी है, तो अब क्या करें, अब थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा, और क्या किया जाए। तो इससे तुलना करिए, कंपेयरिंग इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वी है। ए की जगह पे वन अपान ए स्क्वायर है, तो ए बराबर वन अपान ए स्क्वायर लिख देंगे तो बहुत फुहड़ लगेगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसा करना चाहिए। एच एक्स वाई के कोफिशियंट का आधा, एक्स वाई का टर्म इसमें नहीं है, जीरो। इसी प्रकार से बी की जगह पर है वन अपान बी स्क्वायर, जी इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू माइनस वन। लेट अस कंसीडर द डिटर्मिनेंट। लेट अस कंसीडर द डिटर्मिनेंट। इसको डेल्टा से डिनोट कर देना, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी। अब ये कैपिटल ए बी सी, कैपिटल एफ जी सब चलो निकालें। नाउ कैपिटल ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए, ए पॉजिटिव है, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी सी माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बी की जगह पर है वन अपान बी स्क्वायर, सी माइनस वन है, एफ जीरो है, यानी कि आ गया माइनस वन अपान बी स्क्वायर। कैपिटल बी, बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये छूटा और ये छूटा, सी ए माइनस जी स्क्वायर, सी ए माइनस जी स्क्वायर, सी माइनस है, ए वन अपान ए स्क्वायर है, जी जीरो है, तो आ गया माइनस वन अपान ए स्क्वायर। फिर कैपिटल सी इक्वल्स टू सी का कोफैक्टर, ये भी पॉजिटिव प्लेस है, ये छूटा ये छूटा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर, एच जीरो है, सिर्फ ए बी, ए बी माने वन अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैपिटल एफ कौन सा प्लेस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए माइनस लगा लो पहले, फिर एफ जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ो, जिस रो में है उस रो को छोड़ो, ये छूटा ये छूटा, ए एफ माइनस एच जी, ए एफ माइनस एच जी, चूँकि एफ जीरो है इसलिए ये टर्म जीरो हो जाएगा, चूँकि जी जीरो है इसलिए ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो। और लास्ट में कैपिटल जी इक्वल टू जी का कोफैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये छूटा ये छूटा, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी, एफ जीरो है जी जीरो है इसलिए ये भी जीरो हो गया। देयरफोर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल इज, ये फार्मूला लिखा लिखा है हमको मिल गया, इसी में सब वैल्यूज को फीड करो सिंप्लीफाई करो, इंप्लाइज दैट कैपिटल सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैपिटल जी जीरो है, कैपिटल एफ जीरो है, ए बचा कैपिटल ए माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर,
और प्लस कैपिटल बी माने माइनस वन अपान ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वन अपान बी स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर यही होगा ना, पहले उसको उधर ले गए फिर ऐसे गुणा कर दिए तो फाइनली आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मैं किसी वीडियो में बताया था आपको, एलिप्स के डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलिप्स के ऑक्सिलियरी सर्किल से कन्फ्यूज ना होइएगा, एलिप्स का ऑक्सिलियरी सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन डिफरेंट है। अब आइए हम लोग देखें हाइपरबोला। डायरेक्टर सर्किल ऑफ द हाइपरबोला इसी तरह से निकाल लिया जाए। हाइपरबोला में यहां माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन होता तो माइनस वन हो गया। कंपेयरिंग इट ए आ जाएगा, ये सिर्फ चेंज यहां पे आएगा बी वाले पर, ठीक है ना। तो अब ए इक्वल टू बी सी माइनस एफ स्क्वायर एफ जीरो हो गया और बी इंटू सी ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हो गया वन अपान बी स्क्वायर आ गया, ठीक ना। कैपिटल बी इक्वल टू सिर्फ बी बदला है, बी इसमें है नहीं तो आंसर पे ये सही आएगा। सी में देखो ए बी है और एच जीरो है ना, हाँ है तो एच जीरो है तो ए इंटू बी कितना आएगा माइनस, तो यहां पे आ गया माइनस। सिर्फ बी बदला है ना पिछले केस से तो इसमें बी है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बी है लेकिन जी जीरो है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही आ गया। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल इज ऐसा लिख दिया और सी की वैल्यू माइनस में आया है तो यहाँ माइनस कर दिया और कैपिटल जी की वैल्यू कहाँ है जीरो जीरो कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो कैपिटल ए की वैल्यू तो हमारे समझ से कोई चेंज नहीं है, कैपिटल ए कहाँ है ये वन अपान बी स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा और कैपिटल बी कहाँ है माइनस वन अपान ए स्क्वायर ऐसा हो गया। अब इसको उधर करेंगे और इससे गुणा करेंगे तो आराम से पहले इतना देख लो भैया फिर आगे बढ़े, है ना, नहीं तो हम तो ऐसे सब मिटा मिटा के लिख दे रहे हैं आपको दिक्कत हो जाएगी, ये आराम से देख लीजिए सारा कैलकुलेशन बिल्कुल एक जैसा है। डायरेक्टर सर्किल ऑफ द हाइपरबोला आगे बढ़े तो पहले हम क्या कर रहे हैं माइनस से पहले गुणाई कर ले रहे हैं, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये दोनों उधर जाएंगे तो हो जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फाइनली वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा। डायरेक्टर सर्किल ऑफ द हाइपरबोला भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब इन्हीं दोनों रिजल्ट पे थोड़ा कमेंट कर लें हम। एलिप्स का पर्टिकुलर केस सर्किल होता है और हाइपरबोला का पर्टिकुलर केस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो दोनों
दोनों के डायरेक्टर सर्किल पे थोड़ा विचार कर लिया जाए। पहला कमेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये इलिप्स है। इट्स डायरेक्टर सर्किल, इट्स डायरेक्टर सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इसमें b की जगह a रख दें तो सर्किल के इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्किल हो गया। इस सर्किल के डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? इट्स डायरेक्टर सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी की जगह ए कर देना है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर। दैट इज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए रूट टू इंटू ए रूट टू होल स्क्वायर। सही भाई? तो डायरेक्टर सर्किल को चेंज लग रहा होगा, अगर ना डिस्कस कराएं तो लगता है कि अरे सर्किल माने डायरेक्टर सर्किल वही तो हो गया। इसी प्रकार से जरा कमेंट कर लो इस पे, हाइपरबोला पे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, हाइपरबोला। इट्स डायरेक्टर सर्किल इज ये लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में b की जगह अगर हम a रख दें तो वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट्स डायरेक्टर सर्किल इज, इट्स डायरेक्टर सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी की जगह ए रखोगे तो हो जाएगा जीरो, और ये क्या चीज़ है, ये पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल वो सर्किल होता है जिसका रेडियस जीरो हो जाए, पॉइंट सर्किल माने सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बहुत बढ़िया है ना वाइबा के लिए, इंटरव्यू के लिए, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, पॉइंट सर्किल होगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, इसको यहाँ पर हम बंद करते हैं। अब आगे की यात्रा इस प्लेलिस्ट में कंजुगेट डायमीटर्स की है, कंजुगेट सेमी डायमीटर्स, वो हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू।